19वीं शताब्दी के मध्य को बंगाल के स्वर्णिम युग की शुरुआत कहा जा सकता है। इस समय के लेखकों और कवियों ने बांग्ला साहित्य को आदर्श और विचार प्रदान करने में बड़ा योगदान दिया था। इन्हीं में से एक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहा जाता है। इन्हें हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जैसा उत्कृष्ट गीत लिखने के लिए सम्मान के साथ याद किया जाता है। इन्होंने बंगाली, संस्कृत और अंग्रेजी में साहित्य की रचना की। ब्रिटेन सरकार के लिए काम किया, लेकिन कभी भी राष्ट्रप्रेम की भावना के साथ समझौता नहीं किया और अंग्रेजी के पक्षधर तो ये कभी नहीं रहे। जी हाँ, बंकिम चंद्र ने देशभक्ति, भारतीय संस्कृति और समाज को प्रदर्शित करने वाली कृतियों से लोगों का साक्षात्कार कराया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म उत्तरी 24 परगना जिले के कंथलपाड़ा गांव में रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता यादव चंद्र चट्टोपाध्याय मिदनापुर के डिप्टी कलेक्टर थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मिदनापुर से ली और फिर अगले 6 साल तक हुगली के मोहसिन कॉलेज में पढ़ाई की। इसके बाद इन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए किया और फिर कानून की पढ़ाई की। आपको बता दें कि उस समय बंकिम चंद्र प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की डिग्री लेने वाले पहले भारतीय थे। पढ़ाई खत्म करने के तुरंत बाद इन्हें इंग्लैंड की महारानी ने डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त कर दिया। कुछ समय तक ये बंगाल सरकार के सचिव भी रहे। ये पहले भारतीय थे जिन्हें इंग्लैंड की महारानी ने 1858 में इस पद पर नियुक्त किया था। इन्होंने लगभग 33 साल तक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत काम किया और अंततः 1891 में रिटायर हो गए। इनके काम से खुश होकर अंग्रेजों ने इन्हें राय बहादुर और CIE की उपाधि से सम्मानित किया। पहली रचना अंग्रेजी में लिखी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने जीवन में कई उपन्यास लिखे, जिसमें से आनंद मठ का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। इसी के साथ देवी चौधरानी, मृणालिनी, चंद्रशेखर, विश्ववृक्ष, इंदिरा, दुर्गेश नंदिनी, दफ्तर, कपाल, कुंडाला, राधा रानी, सीताराम आदि भी इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। सन 1965 को लिखा गया दुर्गेश नंदिनी उपन्यास इनकी बांग्ला भाषा में पहली कृति मानी जाती है। इसके एक साल बाद इन्होंने अगला उपन्यास कपाल कुंडला लिखा। इनकी ये रचना काफी मशहूर हुई। हालांकि इनकी पहली रचना अंग्रेजी में लिखी गई राजमोहन्स वाइफ थी। इसके बाद शायद ही इन्होंने अपनी किसी कृति को विदेशी भाषा में लिखा। अपने पहले उपन्यास के लगभग 17 साल बाद बंकिम चंद्र ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ का निर्माण किया, जिसमें लिखा देशभक्ति से ओतप्रोत गीत वंदे मातरम आज भी इस महान देश और उसके भारत माँ के प्रति समर्पण की कहानी को सुनाता है। ये उपन्यास अंग्रेजी सरकार के कठोर शासन, शोषण और उनके प्राकृतिक दुष्परिणाम जैसे अकाल को झेल रही जनता को जागृत करने के लिए खड़े हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। बंगाल के शीर्षस्थ और सिद्धहस्त उपन्यासकार होने के नाते इन्हें भारत का अलेक्जेंडर ड्यूमा भी माना जाता है। बंकिम चंद्र ने 1872 में बंग दर्शन नामक साहित्यिक पत्र का प्रकाशन भी किया। माना जाता है कि इसी पत्रिका में लिखकर रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। अंग्रेजों के विरोध में लिखा वंदे मातरम। कहा जाता है कि 7 नवंबर 1876 को बंगाल के कांतलपाड़ा गांव में इस गीत की रचना की गई थी। इसके पहले 2 पद संस्कृत भाषा में और शेष पद बांग्ला में लिखे गए थे। सन 1870 के दशक में ब्रिटिश शासन ने गॉड सेव द क्वीन गीत को गाया जाना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया था। ऐसे में सरकार के अंतर्गत काम कर रहे बंकिम चंद्र को शायद ये बात कुछ हजम नहीं हुई और उन्होंने संभवतः इसके विरोध स्वरूप भारतीय भाषा के रूप में वंदे मातरम की रचना की। इस गीत की रचना के लगभग 6 साल बाद बंकिम चंद्र ने इसे आनंद मठ का हिस्सा बना दिया, जो पहली बार सन 1882 में प्रकाशित हुआ था। भारत की आजादी के समय तक यह गीत काफी प्रसिद्ध हो चुका था, जिसका देशभक्ति में रमा हुआ एक एक शब्द भारत की संस्कृति और विविधता को दर्शाता था। वंदे मातरम बना राष्ट्रगीत। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लयबद्ध किया था और पहली बार 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान इसे गाया गया। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के दौरान सरला देवी ने भी इसे गाया था। यहां पर इसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। वहीं 1906 में पहली बार वंदे मातरम को देवनागरी लिपि में लिखा गया। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए भारत विभाजन के दौरान इस गीत ने पूरे बंगाल को एक कर दिया था।
1907 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए बंग भंग आंदोलन में वंदे मातरम राष्ट्रीय नारा बन गया। इससे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया और तब यह गीत पूरे भारत में फैल गया। जब बांग्लादेश के बारिसाल में चल रहे कांग्रेस अधिवेशन पर अंग्रेजों ने हमला किया, तब यह गीत आंदोलनकारियों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए काफी था। और ऐसा हुआ भी। इसी साल मैडम बीकाजी कामा द्वारा जिस तिरंगे को जर्मनी के स्टटगार्ड में फहराया गया था, उस पर वंदे मातरम ही लिखा हुआ था। आजादी की सुबह घड़ी में 6:30 बजते ही आकाशवाणी पर वंदे मातरम का लाइव प्रसारण किया गया और फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्रगीत का दर्जा दे दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।